नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर कल तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको ज्ञात होगा कल 13 मई को अब घोषित हो जाएंगे। इससे पहले हर मतदाता और प्रत्याशी अब ये जानना चाहता है आखिरकार जीत किसकी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बरेली नगर निगम सीट की। बजाय तो यहाँ पर कांटे की टक्कर रही है। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी उमेश गौतम के बीच कांटे की टक्कर देखी गई है। आपको बता दें, बरेली की बात की जाए तो पिछले चुनाव में उमेश गौतम ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं डॉक्टर आईएस तोमर दो बार बरेली के महापौर रह चुके हैं, वहीं आईएमए के अध्यक्ष भी। ऐसे में अब बात ये हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि आखिरकार इन दोनों में जीत किसकी होगी। बरेली सीट की बात की जाए तो यूपी अपडेट पहले से ही दावा कर रहा है कि जो उमेश गौतम है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो 15 से 20 हजार वोट से अधिक मार्जिन से इस बार बरेली में जीत दर्ज कर सकते हैं। ऐसा यूपी अपडेट का दावा है। आखिरकार ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट कितना सही बैठती है, कितनी सटीक बैठती है, देखने वाला विषय होगा। लेकिन जो अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है उसमें सीधे तौर पर खुलासा हुआ है कि जो उमेश गौतम है 15 से 20 हजार वोट से मार्जिन से इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। 15 से 20 हजार वोट के मार्जिन से इस बार जीत दर्ज करेंगे। आपको सबसे पहले बरेली के आंकड़े समझा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या कुछ आंकड़े हैं और क्या कुछ जीत की बातें की जा सकती हैं। बरेली की बात की जाए तो पिछले चुनाव में बरेली में 7,61,000 के करीब मतदाता थे। मतदान हुआ तो करीब 40% मतदान हुआ था। इस मतदान के बीच यदि बात की जाए तो 3,41,611 वोट पड़े थे, जिसमें 1,39,127 वोट उमेश गौतम को मिले थे। इसके साथ ही 1,26,343 वोट डॉक्टर आईएस तोमर को मिले थे। वहीं इसके बीच यदि बात की जाए तो 12,784 वोट से पिछली बार उमेश गौतम ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार की यदि बात की जाए तो आंकड़े कुछ बदले हुए हैं। 5 साल में 8,43,890 मतदाता हो चुके हैं बरेली में। इसके साथ ही 3,47,548 वोट इस बार पड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि बरेली की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर इस बार जो उमेश गौतम है, जो इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के संचालक भी है, उन्होंने इस बार जीत दर्ज कर ली है। ये साफ तौर पर सीधे तौर पर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें, बरेली में जहां एक और समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर आईएस तोमर को अपना समर्थन दे दिया था, वहीं मुस्लिम जो समुदाय था उसने भी बड़े तादाद में डॉक्टर आईएस तोमर के पक्ष में मतदान किया है, तो वहीं देखा जाए दूसरी ओर हिंदू समाज सहित मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा तबका उमेश गौतम को मिलेगा, जिससे उमेश गौतम जीत की कगार पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ उसमें सीधे तौर पर पता लगाया गया कि 15 से 20 हजार वोट से अधिक प्राप्त करके जीत दर्ज कर सकते हैं इस बार उमेश गौतम को। 1,50,000 के करीब मत प्राप्त हो सकते हैं, ये यूपी अपडेट की ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आपको बता दें, इस बार जो मतदान हुआ वो करीब 3,47,000 के करीब मतदान हुआ है। ऐसे में इस बार जो उमेश गौतम है उनको 1,50,000 के करीब वोट मिल सकते हैं, मतदान मिल सकता है उनको, लोगों का समर्थन मिल सकता है। आखिरकार अब ये देखने वाला विषय होगा कि जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है 13 तारीख यानी कि कल। आखिरकार कौन जीत कर सामने आता है। आपको बता दें कि डॉक्टर आईएस तोमर है वो दो बार के महापौर रह चुके हैं, वही उमेश गौतम निवर्तमान महापौर है। और उनका जो यदि विकास की बात की जाए तो बरेली में काफी विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी उमेश गौतम इस बार बरेली से जीत दर्ज कर सकते हैं, ऐसा यूपी अपडेट का दावा। आखिरकार आगे क्या होगा ये सब देखने का विषय है, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। कैमरा सहयोगी शरद दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।